हाय, मैं हूँ सालू। आप सबका स्वागत है सालू फूड किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ग्वालियर की फेमस रेसिपी, जो कि कहते हैं उसको पातड़ी कढ़ी रेसिपी। तो चलिए हम लोग जानते हैं, लंबी ना हो कि इसकी, चलिए फिर से हम लोग जान लेते हैं कि इसकी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। ये दो आलू बॉयल हुए हैं, इसको मैंने जीरा, हींग और खटाई, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी नहीं डाला, ये सब डाल के मैंने इसका आलू फ्राई किया। जैसे समोसे की आप आलू फ्राई करते हो ना, इसी तरह सेम ये फ्राई किया हुआ है। और इस पे कढ़ी जाती है, एक कढ़ी मैंने घर पे जो नॉर्मल कढ़ी बनती है, इसमें मैंने हींग, जीरा, कड़ी पत्ता और मिर्च, हल्दी, नमक से इसे फ्राई करके और बेसन जो है दो चम्मच जो है दही डाल के इसको मैंने बड़े कप से पानी डाल के मैंने इसको खौला लिया है। और इसकी कढ़ी जो है इसकी पतली होनी चाहिए, इस तरह से थिकनेस रहनी चाहिए। और ये एक ग्रेवी है, इसके साथ इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्चा, टमाटर की ये मिक्सर की जार में डाल के इसको पीस के इसकी ग्रेवी बनाई गई है। 2 चम्मच हमने तेल डाला है, 1.5 चम्मच तेल डालने के बाद हींग, जीरा डाल के, अदरक, लहसुन थोड़ा सा डाल के और ये ग्रेवी डाल दी गई है। और इसमें मैंने 1 चम्मच हाफ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच नमक, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के मैंने इसकी ग्रेवी बना ली गई है। मैं आप सबको इसलिए इसकी वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी रेसिपी हो जाएगी, तो मैं अगले में डाल दूँगी ये वीडियो इसकी मैं। चलिए अब मैं आपको पातोड़ी की बताती हूँ। पातोड़ी किसको कहते हैं? ये हमारी पातोड़ी है, ये देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है ना ये पातोड़ी हमारी। और इसके अंदर ये आलू मैंने जो भुना है, यही आलू इसके अंदर डाला है। इसी को चलिए हम लोग जानते हैं किस तरह बनाते हैं। ये मैंने 100 ग्राम मैदा लिया हुआ है 1 कप, और इसमें अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके डाली है, 2 चम्मच मैंने बड़े ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, और 1/2 टी स्पून नमक डाला है। इसको नॉर्मल पानी से मैंने सान लिया है किस तरह से, और सानने के बाद 1/2 घंटा तक रेस्ट करना है। और चलिए अब हम लोग पातोड़ी बनाते हैं। आपको पातोड़ी की रेसिपी मैं बता देती हूँ कैसे थी, तो आपको आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसकी एक बार और रेसिपी डाल दूँगी, कढ़ी की, ग्रेवी की, और किस तरह से ये आटा किस तरह है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो मैंने ग्रेवी बना के रखा था ना, इसको हम लोग इस तरह से डालेंगे, और इसको इस तरह से हम लोग को फोल्ड करना है। आप देखिएगा ग्रेवी जो बाहर ना आ जाए, अब इस तरह से हम लोग इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से। अब ये हम लोग ने 1 चम्मच मैदा लेके इसे पानी डाल के इसको घोल लिया है, और इस तरह से हम लोग को फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से अच्छे तरह से। अब ये ऑयल हम लोग का गरम हो गया है, मैंने ऑयल रखा था कढ़ाई में गरम होने के लिए, ये हमारा ऑयल गरम है, इसी में हम लोग को डाल देना है ये। अब गोल्डन फ्राई होने तक इसको सेक लेना है। इसको पाइप लेते हैं हम लोग और मीडियम टू हाई रखेंगे गैस को। अब मैंने पातोड़ी बना दिखा रही हूँ किस तरह से बनाना है। फिर से ये बैटर लेंगे और इस पर इस तरह से हम लोग को रखना है, कोट करना है, और इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से फोल्ड करना है। और ये बैटर इसको लगा लेना है। इसको किस करते हैं हम लोग, ये देखिए गोल्डन हो रहा है, इसी तरह हम लोग को गोल्डन लेना है। ये ग्वालियर की फेमस रेसिपी है, ये ठेले पे मिलती है वहां पे, और दिन से सुबह तक की भीड़ इसकी लगी रहती है, बहुत ही अच्छी होती है खाने में।
और बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। अगर आप लोग कभी ग्वालियर गए होंगे तो ज़रूर खाए होंगे ये, तब आप लोग अपने घर पे ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसे लगी। चलिए हमारा तैयार होते ही हम लोग एक सर्विंग बोल पे इसको निकालेंगे। देखिए हमारे जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं फिर से आपको ये रेसिपी बाद में फिर से पूरी तरह से मैं दिखाऊंगी, अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने देर में सब कुछ आधा रेसिपी बना ही चुकी थी मैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। अगर आपको कढ़ी की और आलू कैसे मैंने डाले हैं और ये ग्रेवी जो बनाई है आपको वीडियो चाहिए तो मैं डाल दूंगी इसकी भी। देखिए ये हमारी कढ़ी है और इसको हम लोग अब तोड़ लेते हैं, देखिए कितनी क्रिस्प बनी हुई है। अब इसमें हम लोग को ये जो बनाई हुई थी, ये देखिए हम लोग को कढ़ी जो हम लोग ने बनाई थी इसके ऊपर हम लोग डालेंगे, क्योंकि मैंने ठेले वाली आज मैं बना रही हूँ ये, तो आपको ठेले जैसा ही मैं करके दिखा रही हूँ और ठेले जैसे ही मैंने इस पर बॉल लिया हुआ है। ये ग्रेवी है, ये भी इसके ऊपर जाती है इस तरह से, और इसके ऊपर से हम लोग मूली डालेंगे, इसको हमने घिस लिया है। अगर आप नहीं खाना खाते हो तो स्किप कर सकते हो। इतनी ही अच्छी लग रही है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये पातोड़ी कढ़ी रेसिपी हम लोग की तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी लगती है, देखिए कितनी क्रिस्प है कि ये टूट जा रहा है अच्छी तरह से। देखिए ये देखिए, अब आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसे आप लोग को ये रेसिपी मेरी लगी, कढ़ी पातोड़ी रेसिपी। इसका नाम ही है कढ़ी पातोड़ी, कढ़ी पातोड़ी ग्रेवी रेसिपी, इतना लंबा ये इसका नाम ही है, ऐसा ही है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए मैं नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।